प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवी बटालियन पीएसी का तरणताल तैरने के लिए तैयार है, जिसका बृहस्पतिवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पीएसी के पुलिस महानिरीक्षक राजेश प्रताप सिंह ने हवन एवं यज्ञ में आहुतियां दी। उसके बाद तरणताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर शांति का प्रतीक कबूतर भी आसमान में छोड़े। शुभारंभ के मौके पर कमांडेंट अखिलेश्वर राम मिश्र के अलावा राजेश कृष्ण, अरविंद कुमार यादव, मंगलेश्वर सिंह, भगवान सिंह, नरपाल सिंह, अशोक चौहान, भीमराज मुख्य रूप से मौजूद थे। शुभारंभ के मौके पर आईजी पीएसी राजेश प्रताप सिंह ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया। जो हमारे यहाँ 9th बटालियन में ये बहुत पुराना है और ये इसके कई उद्देश्य है। नंबर एक तो जवानों में जो कंपटीशन होता है उसके लिए ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ उनके परिवार के लिए उनके बच्चों को स्विमिंग सिखाना, और इसके साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी बटालियन में लगभग एक कंपनी ईयर मार्क है फ्लड के लिए, तो बाढ़ और इस तरह के राहत कार्यों में जवान जाते रहते हैं, तो उसके लिए भी इसकी उपयोगिता है। उनको एक स्विमिंग सिखलाई यहाँ हो जाती है बेसिक, इसके पश्चात जो उनको एडवांस सिखलाई के लिए हम गंगा नदी में या यमुना नदी में ले जाते हैं, उसी सबको दृष्टिगत रखते हुए इसको फिर से इस साल आज से शुरू किया गया है। कितने दिन तक रहेगा सर ये? जब तक एक तो मौसम परमिट करता है, और विशेष रूप से हम लोग जुलाई अगस्त तक चलाते हैं।